नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं क्लब फीट में टीनोटोमी से न डरें इस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, इनफैक्ट कई सारे डॉक्टर्स भी हैं जो टीनोटोमी को अवॉइड करते हैं। माँ बाप भी हमें फोर्स करते हैं कि बच्चे का पैर मुड़ा हुआ है, प्लीज़ इसका कोई सर्जरी ना करें और इसके बिना ही इसको ठीक कर दें, और हमें टीनोटोमी से बहुत डर लगता है। मैं इसके बारे में आपको ए टू जेड बताऊंगा कि टीनोटोमी बहुत ही आसान और एक एसेंशियल प्रोसीजर है जो हमको क्लब फीट में करना पड़ता है। दोस्तों, क्लब फीट को हम पोंसेटी टेक्निक से ठीक करते हैं। इसकी जो आखिरी जो स्टेप है उसमें हम जो पीछे की टाइट मांसपेशी होती है जिसको टेंडो एकेलिस मसल बोलते हैं उसको कट करते हैं, और इस प्रोसीजर को टीनोटोमी कहा जाता है। 95% बच्चों में टीनोटोमी का जरूरत पड़ता है क्योंकि उनका जो जो पीछे का मांसपेशी है वो केवल एक्सरसाइज या प्लास्टर से ठीक नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारे पास कई सारे ऐसे पेशेंट दूर दूर से आते हैं जिन्होंने 10 प्लास्टर, 15 प्लास्टर, कई बार तो हमारे पास 30 प्लास्टर लगे हुए मरीज आए हैं। उनका पैर पूर्णतः ठीक नहीं होता है, डॉक्टर बदलते रहते हैं वो लोग, और टीनोटोमी से डर की वजह से वो प्लास्टर पे प्लास्टर लगवाते रहते हैं लेकिन उनका जो है पैर ठीक नहीं होता है। तो ऐसे पेरेंट्स से मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप टीनोटोमी प्रोसीजर से घबराएं ना, ये बहुत ही छोटा प्रोसीजर है, 10 सेकंड का प्रोसीजर है पहली चीज। दूसरा, इसमें मैं बच्चे को पूर्णतः बेहोश भी नहीं करता हूँ। आजकल हम उसको सिर्फ और सिर्फ उस हिस्से को एक छोटी बहुत ही बारीक सुई से सुन करते हैं और एक स्मॉल सी नीडल या 15 नंबर की एक बहुत ही स्मॉल सी ब्लेड होती है उससे उस टेंडन को कट कर देते हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई टांके नहीं लगाते हैं, कोई चीरा नहीं आता है, जो निशान है वो दिखता भी नहीं है बहुत सारे पेशेंट में, और बच्चे को भर्ती करने की भी जरूरत नहीं है, भूखा रखने की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान प्रोसीजर है, और इसका जो सबसे बड़ा ये फायदा है कि आपका जो क्लब फीट है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और उसके बाद रिकरेंस होने के चांस भी बहुत ही कम है। तीसरा, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम जो बाद में शूज देते हैं एबडक्शन स्प्लिंट बच्चे को जो पहनाते हैं वो बच्चा बहुत आराम से पहन लेगा। अगर आपके बच्चे को टीनोटोमी नहीं हुआ है तो वो शूज टाइटनेस की वजह से बच्चा पहनेगा ही नहीं, वो दिन भर रोता रहेगा और शूज को अल्टीमेटली आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बार बार टीनोटोमी के बारे में ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसको पहले तो बहुत गंभीर ऑपरेशन न सोचें। ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है जो एक ट्रेंड डॉक्टर के द्वारा किया जाए तो बहुत ही आसान इफेक्टिव प्रोसीजर है, और इसमें कोई भर्ती करने की, बेहोशी करने की या बच्चे को भूखा रखने की जरूरत नहीं है। आप टीनोटोमी से ना घबराएं, इनफैक्ट टीनोटोमी एक एसेंशियल पास प्रोसीजर है, वो करने के बाद आपके बच्चे के जो पैर है वो पूर्णतः ठीक हो जाएगा और रिकरेंस बहुत कम होगी। आपको लगता है यदि आपको सीटीवी से रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहिए या फिर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को सीटीवी और वो पूर्णतः ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। यहां पे हम बच्चों के रिलेटेड जन्मजात सारी विकृतियों का इलाज सक्सेसफुली करते हैं नवीनतम तकनीक द्वारा, और मुझे 15 साल का अनुभव है। तो आपको लगता है यदि आप हमारा हॉस्पिटल जयपुर में है आप हमें विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।